सत्संग विषय का प्रसंग है। वैसे प्रसंग बहुत बड़ा है और मेरी बुद्धि छोटी है। छोटी बुद्धि है और प्रसंग बड़ा है, पर आपका आदेश है सो शिरोधार्य है। कोशिश करूंगा, विचार करूंगा, जो मेरी बुद्धि में जितना कहता है सो मैं कहूंगा। तो सजनों, सत्संग के दो पक्ष होते हैं। सत्संग के दो पक्ष होते हैं हर जगह पर, ध्यान देना। एक पक्ष होता है दृष्टांत तौर पे, जैसे दो आदमी एक जगह एकत्रित होकर कोई अच्छी चर्चा करना, या कोई भगवान संबंधी चर्चा करके गुणगान करना प्रभु के विषय का, तो एक तो प्रसंग है ये, और दूसरा प्रसंग ये व्यवहार काल का प्रसंग है। जैसे अपन सब मिलकर के बैठे हैं और चर्चा चल रही है, सत्संग पक्ष के माध्यम से या कोई चेतावनी पक्ष के माध्यम से, ईश्वर महिमा आदि के पक्ष के माध्यम से कर रहे हैं भगवत चर्चा, तो एक पक्ष तो ये है, इसका नाम है व्यवहार काल। तो यहाँ पे दृष्टांत भी दिया जाता है, उपसहार किया जाता है, जैसे चंदन होता है, चंदन का भी दृष्टांत आता है, भौंरा का भी आता है, ऐसा आता है ना, सत्संग के वजनों में आता है। अब यह है कि व्यवहार काल की बात, अब व्यवहार काल ही हमारा पारमार्थिक दृष्टि में उतर जाता है। तो दूसरा पक्ष है यानी दो का एक होना, ये थोड़ी बारीक है बात, चूक जाऊं कहीं पर तो बोल देना, गरीब आदमी हूं मैं तो, ज्यादा विद्वान भी नहीं हूं। दूसरा पक्ष होता है दो का एक होना। मैंने ईश्वर का वाच्य भाग और ईश्वर का लक्ष्य भाग, जीव का वाच्य भाग और जीव का लक्ष्य भाग। ईश्वर का वाच्य भाग जो है माया उपाधि लगने से ईश्वर कहा जाता है, जिसमें काल धर्म वस्तु आदि सारे के सारे आते हैं। ये वाच्य स्वरूप है और जीव का काल धर्म वस्तु अवस्था आदि आती है, ये जीव का वाच्य स्वरूप। मैंने ये दोनों का ही व्यवहार, मैंने जो पहले कहा व्यवहार और पारमार्थिक, तो ये दोनों पक्ष जीव का वाच्य स्वरूप और ईश्वर का वाच्य स्वरूप, ये दोनों ही व्यवहार है। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों व्यवहारों में से जैसे धर्म वस्तु अवस्था आदि का त्याग करके जो वस्तु को अनुभव में लिया जाता है, तो जीव का लक्ष्य भाग कुटस्थ आत्मा है और ईश्वर का लक्ष्य भाग ब्रह्म है, और ब्रह्म और आत्मा की एकता
स्वतः ही होती है और इसी का नाम सत्संग है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। गलती हो तो बोल दीजिए ना।